नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत, आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, ये जो लहंगा है तो ये बहुत कच्चे कलर का है, तो ये फिरोजी कलर जो होता है बहुत कच्चा होता है। और ऐसा अगर ये देख सकते हैं, ये फिरोजी कलर और ये ऊपर के साइड में वाइट है, तो ये बहुत कच्चा कलर है। क्या कर देते हैं, ये पूरा वाइट होता है और सिर्फ नीचे की जो साइड होती है ये कलर में डुबा देते हैं। बस इनका तो काम हो गया बेचना, मगर हमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है लॉन्ड्री में ऐसे काम करने में। तो दोस्तों, ये भी देख सकते हैं, ये भी प्लेन ग्रे कलर का था, तो इसको डाइंग करते समय पहले क्या कर दिया, पूरे ये ग्रे कलर का था, उसके बाद में जो है फिरोजी कलर में बना दिया, फिर उसके ऊपर नीचे के साइड में डाइंग कर दी डार्क ब्लू कलर की, डार्क ब्लू, फिरोजी और ये ग्रे कलर, तीन कलर में डाइंग करके इन्होंने तो मार्केट में लॉन्च कर दिया। और कस्टमर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने भी पसंद आ गया, ले लिया, आप पहन के ड्राई क्लीनिंग में डाल दिया, खर्चा करने को भी तैयार है, समझ लीजिए कस्टमर। मगर दोस्तों, हमें बहुत दिक्कत होती है ऐसे काम करने में, क्योंकि हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है कि इसका कलर छूटता है या छूटते ऊपर लगता है, तो फिर क्या करना चाहिए, इस हिसाब से हमें देखना पड़ता है। तो दोस्तों, हमने क्या कर दिया, मशीन में पानी जो लेवल तक, मशीन के लेवल तक पानी निकाल लिया, उसमें NID, डस्ट लिफ्टर और कलर गार्ड डाल दिया। और क्या कर दिया, पहले ये वाला जो है इसको मशीन में डाल दिया, क्योंकि नीचे के साइड में थोड़ा गंदा था, तो इसको डस्ट लिफ्टर का सॉल्यूशन लगा दिया, इसको भी डस्ट लिफ्टर का सॉल्यूशन लगा दिया। मशीन में हमने इसको जब डाल दिया तो सिर्फ एक दो राउंड पैलोर के और दो राउंड आइलोर के, बस इतना ही घुमा के इसको निकाल दिया। नीचे के साइड में जो ब्रश करने की ज़रूरत है इस हिसाब से ब्रश कर दिया, और फिर तीन पानी में खंगाल के लास्ट के पानी में सॉफ्ट प्लस इसको हाइड्रो कर दिया। अभी बारी आ रही थी इसकी, ये जो फिरोजी कलर है बहुत कच्चा कलर है, वो बहुत कलर जा रहा था, फिर भी हमने क्या कर दिया, जो NID डस्ट लिफ्टर और कलर गार्ड का सॉल्यूशन है ये मशीन में डाल दिया हमने। डाल के फिर इसको भी दो राउंड पैलोर, दो राउंड आइलोर, इतना ही घुमा के निकल लिया, और तीन पानी में खंगाला और लास्ट के पानी में सॉफ्ट प्लस डाला। बस इसी तरह से हमने क्या कर दिया, इसको क्लीन कर दिया। अभी कस्टमर को तो ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता कि इसका कलर कच्चा है, ये है, वो है, हमें हमारे हद तक ही इसको जो प्रॉब्लम है सॉल्व करना पड़ती है। तो इसी तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, और ये नीचे के साइड में बहुत गंदा था। तो ठीक उसी तरह से आपके पास भी अगर ये ऐसे आइटम आ जाते हैं, तो फिर कलर की तो खातरी कर लीजिए, छूटता तो है मगर हद से ज़्यादा तो नहीं छूटता है, तो फिर आप क्या कर लीजिए, NID डस्ट लिफ्टर और कलर गार्ड का सॉल्यूशन बना दीजिए, और उसके उसमें फिर इसको थोड़ा सा चला दीजिए मशीन में। अगर ज़रूरत है आप इसको हैंड वॉश भी कर सकते हैं, इस हिसाब से चला दीजिए, और लास्ट के पानी में सॉफ्ट प्लस डाल दीजिए, सॉफ्ट प्लस से भी बहुत ज़्यादा कलर रुकता है जाने से, और हाइड्रो कर दीजिए और इसको सेपरेटली लटका दीजिए। ठीक यही प्रोसीजर किया था जो हमने आपके साथ शेयर कर दी।